वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी बावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। महाराष्ट्र के आराध्य देव का अपमान नहीं सहेगा महाराष्ट्र का कोई भी इंसान, यह एक तरह का नारा है जो रविवार को सभी ओर गूंज रहा था और यह नारा दे रहे थे शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। मामला है महाराष्ट्र के आराध्य देव शिवाजी महाराज का। दरअसल कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर मनगुती गांव में कर्नाटक सरकार ने शिवाजी महाराज का एक पुतला हटा दिया, जो गांव वालों ने ग्राम पंचायत की सहमति से लगाया था। लोगों का कहना है कि रात को अक्सर सिर्फ वही काम किए जाते हैं जो गलत होते हैं, और कर्नाटक सरकार ने भी रातों रात यह पुतला हटाकर यह साबित कर दिया है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत काम है। अब सभी और कर्नाटक सरकार का निषेध किया जा रहा है। महाराष्ट्र प्रत्येक नागरिकांचा अपमान आहे। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची जी विटंबना काल झाली आहे, ज्या पद्धतीने तो तिथून हलवण्यात आलेला आहे, हटवण्यात आलेला आहे, त्याचं आम्ही संपूर्णपणे शिवसेना असो का शिवप्रेमी जनता असो म्हणून आम्ही त्याचा निषेध व्यक्त करतो। आणि त्याकरिता हे कर्नाटक सरकार येदुरप्पा सरकार यांच्या पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं आहे। आणि त्या सरकार जे आहे ते कोणत्या विचाराचं सरकार आहे हे लक्षात घेऊन आम्ही त्यांचा आज रोजी हा निषेध करत आहे। जलगांव में भी शिवसेना की ओर से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हुए कर्नाटक सरकार के फैसले का निषेध व्यक्त किया। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में शिवाजी महाराज के लिए लोगों के दिलों में सम्मान है और इस सम्मान को किसी भी तरह का ठेस पूरा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र गुजरात के नहीं बल्कि समूचे देश के आराध्य देव हैं। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब एप्स जिम ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? 12,900 में पूरे साल की मेंबरशिप मिल रही है ना? यस, एप्स जिम में 12,900 में ईयरली मेंबरशिप पाए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।